साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी को श्रद्धांजलि अर्पित सभा व स्वर्गीय सुखी देवी की प्रथम पुण्यतिथि पर अवेयरनेस कैंप का आयोजन डोंबिवली में किया। उस पर महावीर बड़ाला की खास रिपोर्ट। आचार्य श्री तुलसी डायग्नोस्टिक सेंटर डोंबिवली द्वारा आज स्वास्थ्य अवेयरनेस कैंप पर एवं शासन माता साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी को श्रद्धा अर्पित श्रद्धांजलि सभा का आयोजन डोंबिवली में तेरापन सभा भवन में किया। जांच शिविर में समाज के अनेक महानुभाव ने भाग लिया। कार्यक्रम के प्रायोजक धर्मचंद जी बड़ाला, अशोक जी बड़ाला, महावीर जी बड़ाला व उनका परिवार उपस्थित था। कार्यक्रम में तेरापंथ युवक परिषद के जीवन जी सिंघवी, सह संयोजिका करिश्मा कोठारी, कुसुम बड़ाला, चंदन मलजी धींग, ललित जी पुनमिया, नीता मेहता, मनीष जी धींग, नीता ओसवाल आदि उपस्थित थे। आभार ज्ञापन सभा मंत्री पारस जी बड़ाला ने किया। कुशल संचालन मदन जी कोठारी ने किया। इस प्रसंग पर मुख्य वक्ता उपासक सोहनलाल जी कोठारी ने शासन माता की पूरी जीवनी व उनके प्रसंग की कुछ पहलुओं पर अपनी बात रखी। जहाँ तीर्थंकरों की भूमिका प्रशस्त रही है, वहीं भगवान ऋषभ के समय में रामी और सुंदरी का लेखन हमारे सामने प्रस्तुत होता है। भगवान महावीर के समय में जहाँ चंद्रमा का विस्तृत इतिहास उपलब्ध है, चाहे सुभद्रा हो, पद्मावती हो और मेघनाथ प्रभु के समय में चाहे कुंती व द्रौपदी हो, अनेक 16 महाशक्तियों का इतिहास हमारे सामने उपलब्ध है। उसी पावन श्रृंखला में आचार्य भिक्षु ने 13 पंथ दर्शन विश्व के समक्ष प्रस्तुत किया। उस क्रम में सर्वप्रथम साध्वी श्रद्धारा जी को जयाचार्य ने सितंबर 1910 में प्रथम साध्वी प्रमुखा के रूप में प्रतिष्ठापित किया और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आचार्य तुलसी ने एक ऐसी नवीन क्रांतिकारी आगमक ऐसे प्रतिभा संपन्न तरुण युवती को धर्म संघ के सामने उपस्थित किया, जिसे हम कला या कनक प्रभा जी के नाम से जानते हैं। बालिका कला चंदेरी की धरती पर सितंबर 1998 श्रावण कृष्णा त्रयोदशी को उस बम्बू वाले मेरे परिवार में उन्होंने जन्म लिया और कहते हैं प्रथम पुत्री हुई उनके घर में, दूसरी भी पुत्री हो गई। पिता और माता के मन में कुछ ऐसा आता कि पहली भी बेटी ली, दूसरी भी बेटी ली, यदि तीसरी भी बेटी भेज रहे तो थोड़ी गड़बड़ दी जाए। ऐसा ही इनके साथ हुआ, तीसरी पुत्री के रूप में भी कला पैदा हो गई, लेकिन उस निराशा के कोहरे से भी एक ज्योतिषी अथवा पंडित जो जानता था उसने कहा ये संतान अपने धर्म संघ का अथवा अपने कुल का, परिवार का, समाज का, राष्ट्र का नाम रोशन करेगी। तेरा पंथ युवक परिषद डोंबिवली अध्यक्ष सुरेश जी बैग ने इस प्रसंग पर कहा कि शासन माता जिन्होंने करीब 81 वर्ष पूर्व लाठपुर में वैद्य परिवार में जन्म लेके और उन्होंने हमारे धर्म संघ को करीब 61 वर्षों तक उन्होंने अपनी सेवा प्रदान की और उन 61 वर्षों में करीब 50 वर्ष जो अभी हाल ही में लाठपुर में 50 वर्ष साथी प्रमुखा के रूप में हमें सेवा धर्म संघ को सेवा प्रदान करते हुए हम सभी भक्तों का धार्मिक सदन का कल्याण किया और हम सबका कल्याण करते हुए 17 अप्रैल को आप सब प्रदान गई। हम आपके प्रति आध्यात्मिक मंगल कामना करते हुए भाव की श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और हम यही आशा करते हैं, आपसे यही मांगते हैं कि आपसे हमेशा आपकी प्रेरणा हमें मिलती रहे, आगे भी हमें आपकी प्रेरणा हमेशा मिलती रहे, यही आपके प्रति हम मंगल कामना करते हैं। डोंबिवली महिला मंडल संयोजिका किरण कोठारी ने अपने विचारों की प्रस्तुति देते हुए कहा कि पवित्र आत्मा हमारे बीच नहीं है, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए शब्द तो शायद नहीं है, फिर भी कुछ कोशिश की है लिखने की, तो मैं अपने भाव को अग्नि का दम हर कर वह दीप पट्टिका चली गई, अपने जीवन के हर पल को संपर्क में आए हर एक व्यक्ति को आलोकित कर वह चली गई। कला प्रथम परिचय था उसका, फिर कनक प्रभा बनकर बिखरी थी, गुरु दृष्टि
साध्वी प्रमुखा बना लिया था। असाधारण साध्वी प्रमुखा को शासन माता का मान दिया। गुरु की पुत्रवत विनम्रता का दर्शन पहली बार मिला। गुरु की पुत्रवत विनम्रता का दर्शन पहली बार मिला। यह अजब अनोखा कीर्तिमान बना दिया। सिद्धावस्था की चौखट पर दीप शिखा की ज्योति जली। वह महाज्योति उस ज्योति का साथ निभाने अग्रसर हो चली। बेकरी जिसकी पितृ के चलती थी पानी में माधुर्य नैनों में नेह बरसता था। साहित्य सृजन संपादन कर गणका भंडार समृद्ध किया। गुरु त्रय की कृपा पाई पर्याय पाई। थी सदैव शासन माता थी पर अभी भी उस पद पर आरूढ़ हुई। आधी सदी मनोनयन की अभी गीतों शिखर चढ़ी थी। हे सती सीखरे हे महामनवी चलना नीता धर्म कुमारा चलते चलते अचानक तुम कहाँ चली गई। हे युग महानायिका स्वप्नों के खुले दरवाजे स्पंदन बनकर चली गई। शासन माता शासन की रक्षा हमेशा करती रहना। जब भी पद भूलूं मैं मुझे राह दिखाती रहना। बने बशाय प्रकृति मेरा पद पर आलोकित करती रहना। नमन नमन हे शासन माता नमन। ललिता सोनी ने अपने विचार रखे। स्वर्गीय सुखी देवी बड़ाला की पुण्य स्मरण में आयोजित अवेयरनेस कैंप में विशेष रूप से उपस्थित डॉक्टर नीरज दीक्षित ने डेंटल चेकअप की विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि डॉक्टर निधि जैन ने बताया कि वेल्थ के लिए हेल्थ को नहीं भूलना चाहिए। हेल्थ के लिए कोई उम्र सीमा नहीं होती। डॉक्टर ने पीपीटी से पूरी जानकारी प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि जितना आप खुद के ध्यान में उतना ही अच्छा रहेगा।
ऐसी ही लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।